रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, देखिए आगा बेटा, मैं बेसिकली आज पेपर पैटर्न सिखा रहा हूँ। जो हमारा A2 का जो पेपर पैटर्न है, उसमें एडिशन हुई है। मतलब पहले पेपर एक ही होता था, अब उन्होंने पेपर 3 एंड पेपर 4 दो पेपर कर दिए हैं। पेपर 3 जो होगा वो थोड़ा सिंपल होगा, उसमें केस स्टडी दी हुई होगी, और जैसे पेपर 2 होता था आपका एज बिजनेस में, वैसे ही होगा, केस स्टडी दी हुई होगी और उसी केस स्टडी के ऊपर 5 सवाल पूछे जाएंगे। सवाल का स्ट्रक्चर ये होगा कि उसमें 8 और 12 मार्क्स के सवाल होंगे। कुछ तो ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 8 मार्क्स के ही होंगे, ओनली 8 मार्क्स। कुछ ऐसे होंगे कि जैसे 4 मार्क्स की कैलकुलेशन हो गई, देन 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एवोल्यूशन का, 12 मार्क्स का एवोल्यूशन वाला होगा, ठीक है? और 8 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा हमेशा एनालाइज का होगा। तो जो हमारा पेपर 3 है, उसके अंदर जो हमारे पास सवाल वगैरह टेस्ट होंगे, तो उन सवाल उसमें ज्यादातर एक 8 मार्क्स का सवाल होगा, एक आपके पास 12 मार्क्स का सवाल होगा और 4 मार्क्स की कैलकुलेशन होगी। ये आप देख सकते हैं, ये एक सवाल आ रहा होगा 8 मार्क्स का, देख रहे हैं? एनालाइज द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द सप्लाई साइड मेजर ऑन बिजनेस इन पाकिस्तान, ये एक 8 मार्क्स का सवाल है एनालाइज का। तो इसी तरह का सवाल पेपर 2 में भी आपके पास आता था, केस स्टडी होती थी और आप डेफिनेशन देते थे, एंड देन कोई भी 2 इम्पैक्ट आप बताते थे। तो यहाँ भी यही तरीका होगा, पहले हम केस स्टडी को पढ़ेंगे और केस स्टडी के अंदर हम इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करेंगे, ताकि हम जो भी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करें वो जनरल नहीं हो, वो स्पेसिफिक हो, क्योंकि ये केस स्टडी इसने सामने दी हुई है, इसी केस स्टडी को रखकर हमें हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, अपनी तरफ से नहीं बनाने। वैसे सप्लाई साइड में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी भी उसमें आ जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इसमें आ जाता है, सब्सिडी भी आ जाती है, रिडक्शन इन टैक्स भी आ जाता है, एजुकेशन भी आ जाता है, लेकिन हमें कोशिश करनी है यहीं से पॉइंट उठाने हैं कि वो कौन सी सप्लाई साइड पॉलिसीज हैं जो यहाँ गवर्नमेंट कर रही है, एंड देन उसका इम्पैक्ट बताना है, और उस इम्पैक्ट को भी इन्हीं डेटा को सामने रख के मैनेज करना होगा। तो पहले एक बार हम केस स्टडी पढ़ लेते हैं, देन हम आते हैं कि 8 मार्क्स का सवाल कैसे अटेम्प्ट करेंगे और किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। मैं एक सैम्पल आंसर भी दे दूंगा आपको। अच्छा, ये आपकी बुक की केस स्टडी, जो नई बुक है उसकी है, तो ये पाकिस्तान के बारे में हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं इमरान खान के ज़माने की है, देख लेते हैं। पाकिस्तान इकोनॉमी अ मिक्सचर ऑफ होप एंड फ्यूचर प्रॉब्लम, अब तो अ मिक्सचर ऑफ थ्रेट कहलाएगा। अच्छा जी, पाकिस्तान रिकॉर्डेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अराउंड 4% पर ईयर बिटवीन 2012 एंड 2019, ठीक है? हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। अकॉर्डिंग टू वन इकोनॉमिस्ट, ड्यू टू सप्लाई साइड रिफॉर्म्स एंड साउंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ग्रोथ इन बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड द एग्रीकल्चरल सेक्टर हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी। एक इकोनॉमिस्ट कहता है कि भाई जो आपने जो आपकी बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुई है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वक्त के साथ बढ़ी हैं, नए नए बिजनेस पाकिस्तान में आए हैं माशाल्लाह से, और एग्रीकल्चर सेक्टर ने बड़ा काम किया है, ठीक है? अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब हम सप्लाई साइड पॉलिसी को एक्सप्लेन करेंगे तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? द प्रोस्पेक्ट फॉर मिलियन ऑफ रूरल पीपल आर रूरल पुअर आर बीइंग फर्दर इम्प्रूव बाय गवर्नमेंट सप्लाई साइड पॉलिसीज दैट एम टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब ये इसने इंपॉर्टेंट बात की है कि हमारी गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या है, एक तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े बढ़े, हम ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं जो भी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती हैं, इम्प्रूव करें ट्रांसपोर्ट को, अलाउ फूड प्रोडक्ट टू बी टेकन इन टू मार्केट एंड एक्सपोर्टेड, जो भी हमारी फूड प्रोडक्ट है वो बाहर एक्सपोर्ट हो, इफ दे कैन सेल मोर ऑफ देयर आउटपुट द रूरल पुअर विल सी इंक्रीज इन इनकम, हेल्पिंग टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, ये आपको इम्पैक्ट बताने में और केस स्टडी से रिलेट करने में काम आएगा। तो पहले अच्छे तरीके से मैं चीजें क्या करनी होंगी, केस स्टडी में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं फिगर्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, एप्लीकेशन थोड़ी बेहतर करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन का कदम मतलब ये नहीं है कि आप केस स्टडी में पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान लिख देंगे एप्लीकेशन, ऐसे नहीं। वो कहता है सप्लाई साइड का सवाल है तो कोशिश करें भी सप्लाई साइड की उठाएं। मैं आ रहा हूँ, आंसर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पहले एक बार केस स्टडी पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम रिमेन हाउ एवर इन्फ्लेशन 68% इन 2019 एंड इंटरेस्ट रेट 10.75% आर हाई बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। हमारा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हाई है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुकाबले में बहुत हाई है। द गवर्नमेंट इज यूजिंग पॉलिसीज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन सच एज रेजिंग इंटरेस्ट रेट एंड टैक्सेस। ये जो पॉलिसीज हैं ये आप कहेंगे डिमांड साइड पॉलिसीज में आएंगी, हम रेफरेंस दे सकते हैं इसका। दीज माइट रिजल्ट इन लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, द लार्ज फिस्कल डेफिसिट ऑफ 8.9% ऑफ द जीडीपी विल हैव टू बी कट बैक पॉसिबली बाय फर्दर प्राइवेटाइजेशन।
बोला हमारे पास पैसों की कमी है तो बोरोविंग करने के बजाय, आपको पता होगा हम फिस्कल बजट बनाते हैं तो एक डेफिसिट होता है, एक सरप्लस होता है। डेफिसिट में ये होता है कि हम स्पेंडिंग ज्यादा करते हैं तो पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, तो उसके लिए बोल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन करें। द रुपी डेप्रिसिएटेड अगेंस्ट मेजर करेंसीज बाय 20% इन 2019, दिस हैज इंक्रीज इंप्रूव इंपोर्ट कॉस्ट ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रिलेट कर सकते हैं सप्लाई साइड पॉलिसीज से। ठीक है, चाइना हैज बिकम मोर कॉम्पिटेटिव देन पाकिस्तान इन एक्सपोर्ट मार्केट फॉर क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, इसकी बात भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अनाउंस दैट द गवर्नमेंट विल इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन सप्लाई साइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब ये सप्लाई साइड की एक और बात आ गई कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे पैसा, और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, डैम बिल्डिंग आएगी, एरिगेशन प्रोडक्ट आएगा। ही ऑल्सो सेड द गवर्नमेंट विल इंटरवीन टू हेल्प सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द कंट्री, इट वुड ऑल्सो मेक इट इजियर फॉर एंटरप्रेन्योर टू सेटअप बिजनेस। हम ईज ऑफ फाइनेंस भी लेकर, ईज ऑफ बिजनेस भी लेकर आएंगे। बाद बिजनेस जब बनते हैं तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, कुछ इनिशियल पे देनी पड़ती है, और लोन बैंक नहीं दे रहा होता तो गवर्नमेंट सॉफ्ट टर्म पे लोन दिलवा सकती है, ग्रांट दे सकती है, टैक्स में रिलैक्सेशन दे सकती है, जितने बिजनेस फॉर्म हो रहे होते हैं उनको आइडिया में सपोर्ट दे सकती है। ठीक है ना, उनको इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सेस दे सकती है, प्रमोशन में उनकी हेल्प कर सकती है, बहुत सारे काम कर सकती है जिसमें बिजनेस के लिए ईज ऑफ बिजनेस हो जाता है। अब आते हैं, वो कह रहा है एनालाइज द लाइकली इंपैक्ट ऑफ सप्लाई साइड मेजर ऑन बिजनेसेस इन पाकिस्तान। बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा सप्लाई साइड पॉलिसीज का पाकिस्तान में, ये सवाल है। ठीक है, यहां तक मेरी बातें सारी क्लियर हैं, जो मैंने बातें की उसमें कोई इशू वगैरह हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ठीक, अब इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको कि इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, फिर मैं एक सैम्पल आंसर भी दिखा देता हूँ। एक मिनट वेट कीजिएगा, मेरे पास स्क्रीन ओपन हो जाए तो मैं आपको इसको अटेम्प्ट करने का तरीका बताता हूँ कि इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, वो नोट कर लेना है। हर एनालाइज वाला सवाल आपने वैसे ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे, स्क्रीन में आपसे दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें मैं लिख के बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट करते हैं। एक मिनट, ठीक है। अब इसको अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे, सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे। अच्छा, कि याद करने ए जो या ए टू हो, आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करना होगा। ओ लेवल में तो चलो चल जाता है, लेकिन ए जो ए टू में जो जितने ही बड़े सवाल होते हैं, 8 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 12 मार्क्स के, हमें इंपोर्टेंट टर्म की डेफिनेशन देनी चाहिए। तो यहाँ सवाल है सप्लाई साइड पॉलिसीज का, सप्लाई साइड पॉलिसीज किसे कहते हैं, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। पहले मैं एक ड्राफ्ट फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर मैं एक सैम्पल आंसर भी दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, अगला हमारे पास क्या होगा, इम्पैक्ट नंबर वन। अभी आगे हम क्या करेंगे, इम्पैक्ट नंबर वन बताएंगे कि सप्लाई साइड का इम्पैक्ट वन क्या होगा। ठीक है, आप इम्पैक्ट नंबर वन बताएंगे। फॉर सपोज आपने सप्लाई साइड पॉलिसीज का इम्पैक्ट ये बताया कि इससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हाई हो जाएगी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ हाई हो जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हाई होगी इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी हाई, आप कैसे बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होगी, आप कैसे ये बात करते हैं। ठीक है, जब ये बात एक्सप्लेन करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी हमें, एक्सप्लेनेशन देते वक्त आपने क्या करना होगा, विद एग्जाम्पल करनी होगी। एग्जाम्पल से मुराद केस स्टडी को रिलेट करना होगा। जैसे केस स्टडी में उसने बात की हम डैम बिल्डिंग करेंगे, केस स्टडी में उसने बात की हम ईज ऑफ बिजनेस करेंगे यानी बिजनेस को रिलैक्सेशन देंगे, केस स्टडी में उसने बात की कि हम अपनी एरीगेशन को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, हम एरीगेशन को, 3 बातें उसने की हैं कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाएगी सच एज डैम बिल्डिंग, एरीगेशन, और उसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ईज ऑफ बिजनेस करेंगे। तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हमारी इंप्रूव होगी उसके अंदर हम एप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका इफेक्ट बताना है। इफेक्ट नंबर वन, कि अगर हमारी एरीगेशन इंप्रूव हो जाती है, हमारे पास डैम बिल्डिंग हो जाती है तो उससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कोई भी फ्लड आता है तो अच्छी खासी पानी हमारी क्वांटिटी कंजर्व हो जाएगी, और वाटर के जो जो इश्यूज होते हैं उनको हम कवर अप कर सकते हैं। ईज ऑफ बिजनेस करेंगे तो बिजनेस ज्यादा ओपन होंगे, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा। फॉर सपोज इफेक्ट नंबर वन ये होगा कि हमारे पास जो बिजनेसेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज ज्यादा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस ग्रो ज्यादा करेंगे। ठीक है, बिजनेस ग्रो ज्यादा करेंगे। उसके अलावा ये है कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपके पास पानी अच्छा होगा,
आप पानी को कंजर्व करेंगे तो एग्रीकल्चर के लिए पानी बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, तो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का भी इसने गवर्नमेंट ने बात की है, अगर हमारा ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाएगा तो ट्रांसपोर्ट से ये होगा कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो बिजनेस इनकर कर रहे होते हैं, स्पेशली हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत मैटर करती है, चीज़ों का फास्ट पहुंचना बहुत मैटर करता है, डिलीवरी इश्यूज होते हैं अगर आपके रास्ते ख़राब हो तो, जैसे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट पे पैसा लगा रही है, डिलीवरी इश्यूज पे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट नंबर वन हो गया, ये इफेक्ट नंबर वन हो गया। इसके बाद इफेक्ट नंबर टू बताना होगा, इसी को सामने रख के इफेक्ट नंबर टू बताना होगा कि अगर हमारे डिलीवरी इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, हमारे पास ज्यादा बिजनेस ग्रो करते हैं, तो इसका इफेक्ट टू क्या होगा? जी बेटा, आप क्या कहते हैं, इसका क्या इफेक्ट टू होगा? जी, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ज्यादा होता है, ठीक है, चाइना हमारे मुकाबले में ज्यादा जा रहा है माशाल्लाह से, और क्या कहते हैं, हमारा जो इन्फ्लेशन है वो दूसरे मुल्कों से ज्यादा है, उसने लिखा हुआ है, हमारे पास इंटरेस्ट रेट दूसरे मुल्कों से ज्यादा है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, डिलीवरी इश्यूज हमारे मैनेज हो जाते हैं, चीजें फास्ट पहुंच जाती हैं, ठीक है ना, बिजनेस ग्रो कर लेते हैं, ज्यादा आते हैं बिजनेस, तो आप क्या कहते हैं इससे क्या होगा? जी, एक्सीलेंट, इफेक्ट टू क्या होगा हमारे पास? राइस एंड एक्सपोर्ट होगा। शाबाश बेटा, शाबाश, अच्छी बात है। अच्छा बच्चा क्या होता है, जब भी सवाल अटेम्प्ट करता है पहले से वो एक रफ वर्क कर लेता है, वो पॉइंट बना लेता है, राइस एंड एक्सपोर्ट होगा, और ठीक है, राइस एंड एक्सपोर्ट होगा, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या हो सकता है, हमारी इन्फ्लेशन कुछ हद तक रिड्यूस हो सकती है, इन्फ्लेशन, उसने कहा है कि हमारे पास कुछ एक्सचेंज रेट के मसले भी आ रहे हैं, रिडक्शन रिडक्शन इन सॉरी 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 रिडक्शन इन्फ्लेशन, या कंट्रोल इन्फ्लेशन का अच्छा वर्ड होगा, कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन 6.9% है, ये हाई है बेटा, 5% से ऊपर होगी तो ये हाई इन्फ्लेशन काउंट होगी, कंट्रोल इन्फ्लेशन आ सकता है, ठीक है, और राइज इन एक्सपोर्ट्स की वजह से दूसरा काम ये हो सकता है कि राइज इन एक्सपोर्ट की वजह से हमारा एक्सचेंज रेट भी एप्रिशिएट हो सकता है, कुछ हद तक एप्रिशिएट हो सकता है, राइज इन एक्सचेंज रेट की वजह से, क्या नाम है अपना, सॉरी, राइज इन एक्सपोर्ट्स की वजह से हमारा एक्सचेंज रेट कुछ हद तक एप्रिशिएट हो सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी करेंसी की डिमांड ऑफ करेंसी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, डिमांड ऑफ करेंसी, हमारी करेंसी की डिमांड हाई हो जाएगी, डिमांड ऑफ करेंसी वुड बी मोर, तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सचेंज रेट भी अप्रिशिएट हो सकता है, जो कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में थोड़ी बहुत हेल्प करेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में थोड़ी बहुत हेल्प करेगा। तो ये एक पॉइंट मैंने बताया है, इसकी मार्किंग ऐसे होती है, जब आप पॉइंट बताते हैं, ये मैंने एक पॉइंट बताया, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ब्लू कलर से, ये मैंने एक पॉइंट बताया, इस पर आपको एक मार्क मिलेगा, ठीक है, पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो केस स्टडी से थोड़ा बहुत रिलेट करे, सवाल से रिलेट करे, ये बहुत जरूरी है, पॉइंट गलत तो सब कुछ गलत। फिर जब आप एप्लीकेशन करेंगे, जब आप एग्जाम्पल देंगे, केस स्टडी से अपने आंसर को रिलेट करेंगे, जैसे सप्लाई साइड में डैम बिल्डिंग की बात हुई, एरीगेशन की बात हुई, तो आपको दूसरा मार्क्स उस पर मिलेगा, ठीक है, और तीसरा मार्क्स आपको मिलेगा इफेक्ट नंबर वन बताने पे। अब जैसे आपने इफेक्ट बताया, लेकिन इफेक्ट कोशिश करनी चाहिए, इफेक्ट को एक्सप्लेन करना जरूरी है, लाइक अगर आप कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हाई होगी खाली ये लिखने से कि इफ देयर वुड बी क्या नाम है, देयर वुड बी प्रॉपर एरीगेशन सिस्टम दिस विल लीड टू हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि एरीगेशन से ऐसा क्या होगा, लाइक पानी ज्यादा अवेलेबल होगा, एरीगेशन से क्या होगा, जो पानी के शॉर्टेजेस होंगे उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, इससे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, ऑफ सीजन जिसमें पानी नहीं अवेलेबल होता, जैसे विंटर है, सर्दी है, उसमें हमारे पास पीछे डैम मौजूद होंगे, हम पानी को यूज कर सकते हैं, इससे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, तो ये इफेक्ट नंबर वन है, इसको कहते हैं एनालिसिस, एनालिसिस, पॉइंट बताने को हम कहते हैं नॉलेज, एग्जाम्पल को हम कहते हैं एप्लीकेशन, और ये जो इफेक्ट नंबर वन है ये एनालिसिस नंबर वन है, सिंपल एनालिसिस है, इसको जब आप डेवलप करते हैं कि इस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बढ़ने की वजह से, और क्या नाम है, आपका अल्लाह भला करे, बिजनेस के ग्रो करने की वजह से और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होने की वजह से हमें अल्टीमेट बेनिफिट ये होंगे, और ये भी केस स्टडी से पॉइंट आप उठा रहे हैं, तो ये हमारे पास इफेक्ट नंबर टू में आएगा और ये डेवलप एनालिसिस में आएगा, इसके आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, तो आपका हर पॉइंट ऐसा होना चाहिए, इसी तरीके से आपने क्या करना होगा, कोई दूसरा इम्पैक्ट भी बताना होगा। अब अच्छे बच्चे क्या करते हैं, ये वाला पैराग्राफ रख लेते हैं एग्रीकल्चर का, ये पूरा पैराग्राफ कर, अच्छे बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा पैराग्राफ कर देते हैं एग्रीकल्चर का और सारे पॉइंट कर देते हैं, मतलब इसमें आप डैम बिल्डिंग की बात कर लें, एरीगेशन की बात कर लें, ठीक
ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा पैराग्राफ जो है उसमें आप ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, ईज ऑफ बिजनेस की बात कर लें, और उसको फिर उस तरीके से रिलेट करें। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई जी? अच्छा जी, अब मैं आपको एक सैम्पल आंसर दिखाता हूँ। अब हो सकता है वो जल्दबाजी में अटैम्प्ट किए हो, उस तरह का नहीं हो, लेकिन एक आइडिया आपको हो जाएगा, तो उसको एक बार आप पढ़ लें। उसमें इस तरीके से नहीं होगा जैसे मैंने बताया, उसको इम्प्रूव करना है, ये सैम्पल आंसर्स है। ठीक है, मैं एक सैम्पल आंसर अभी आपको दिखा रहा हूँ इसी का, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसीज ऑन बिजनेसेस इन पाकिस्तान। अच्छा, कोशिश करनी है इम्पैक्ट बिजनेस के बताइएगा। ठीक है, इम्पैक्ट बिजनेस को क्या होगा? जैसे राइज इन एक्सपोर्ट होगा तो बिजनेस की सेल में इजाफा होगा, कंट्रोल इन इन्फ्लेशन होगी तो बिजनेस की कॉस्ट मैनेज हो जाएगी। ठीक है, कुछ हद तक जितना हो सके। अच्छा जी, अब मैं आपको क्या नाम है दूसरी स्क्रीन दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने आंसर शेयर किया है, तो थोड़ा बहुत आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा। अब ये एक आंसर है, आपको विजिबल है आंसर? जी बेटा, आंसर विजिबल है? यस सर। ओके, अब ये एक सिंपल आंसर है, आपने बेहतर करना है इससे, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। देखिए, इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट हमने बताए हैं, सिर्फ दो ही पॉइंट बताए हैं, लेकिन आपको सोचना होगा कि मैं ऐसा लिखना होगा। सप्लाई साइड पॉलिसीज आर गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। सिंपल डेफिनेशन देनी है, कोई लंबी चौड़ी नहीं देनी, क्योंकि डेफिनेशन असल नहीं है, डेफिनेशन बुनियाद रखने के लिए होती है, और डेफिनेशन का एक ही मार्क होता है और पॉइंट के भी एक ही मार्क होता है, तो उसको दो मार्क्स देने हैं नॉलेज के, दो मार्क्स से ऊपर वो नहीं देगा नॉलेज के। तो डेफिनेशन दीदी, एक मार्क मिल गया, एक पॉइंट बताया, दूसरा मार्क्स मिल गया, दूसरा पॉइंट जरूरी है देना, लेकिन उसका कोई फायदा मतलब नॉलेज का मार्क्स नहीं मिलेगा। नॉलेज के दो मार्क्स हैं, मैक्सिमम दो हैं, तो दो अगर आपने एक डेफिनेशन पे ले लिया, एक पहले पॉइंट पे ले लिया, तो दूसरे पॉइंट पे आपको नॉलेज का मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन एनालिसिस के चार मार्क्स होते हैं, तो दो एनालिसिस यहाँ से देंगे पहले इम्पैक्ट से, दो एनालिसिस दूसरे इम्पैक्ट से निकालेंगे, तो एनालिसिस के चार मार्क्स देने के लिए आपको दो पॉइंट देना जरूरी है। ठीक है, और एग्जामिनर ये कहता है बेहतर ये कि बच्चे तीन इम्पैक्ट बताएं, वो आपके ऊपर है, टाइम हो आपके पास, आपका पेपर खराब नहीं हो रहा हो, बाकी सवाल नहीं हो रहे हो। मैं तो पर्सनली बोलूंगा दो ही इम्पैक्ट लिखें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, लेकिन अच्छे लिखें, थोड़ा सोच समझ के लिखें, फिर अगर अल्लाह ने वो टाइम दिया दिया हो तो फिर आप अपने आंसर को और इम्प्रूव कर लें। तो ये पहला इम्पैक्ट है, एज द गवर्नमेंट इंक्रीजेज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सच एज डैम एंड इरीगेशन। ठीक है, ये एप्लीकेशन है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूव, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इम्प्रूव हो जाएगी, हमारी ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हो जाएगी, इसको और भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉजिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस टू फॉल, इससे हमारी एग्रीकल्चर प्राइसेस क्या हो जाएंगी, फॉल हो जाएंगी। एंड पोटेंशियली इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स वाइल डिक्रीजिंग रिलायंस ऑन इम्पोर्ट, इससे क्या होगा, हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगी और हमारा इम्पोर्ट पे कम रिलाय होगा। स्पेशली फूड प्रोडक्ट में एक बड़ा मसला होता है कि आपको अपनी कंट्री की डिमांड पूरी करनी होती है, और अगर हमारे कंट्री में प्रोडक्शन कम होगी तो हमें फिर वो फूड प्रोडक्ट बाहर से मंगवानी पड़ती है। जैसे रिसेंटली चीनी के अंदर ऐसा हुआ था, आटे में ऐसा हुआ है, और आपका टमाटर में ऐसा हुआ है, पाकिस्तान में हमेशा होता रहता है कि गवर्नमेंट प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए बाहर से इंपोर्ट करती है, जिससे हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान कुड ऑल्सो अट्रैक्ट आउटसाइड कैपिटल बाय इंप्रूविंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटसाइड कैपिटल भी आएगा। फर्दर मोर बिकॉज देर विल बी फ्यूअर पावर आउटेजेस, बेसिकली हम अपने क्या नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने से क्या होगा, पावर शॉर्टेजेस कम होंगे, देयर प्रोडक्टिविटी विल राइज, बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड डेट दे विल मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, इससे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस हैं अगर पावर शॉर्टेजेस कम हो, पावर जो ब्रेक डाउन है वो कम से कम। ठीक है, ये एक है, ये काफ़ी इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन की वीकनेसेस हैं, एक्सप्लेनेशन आपने थोड़ी पुट करनी होगी। ठीक है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, काफ़ी हद तक है, इम्पैक्ट से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा है द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्री वुड ऑल्सो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री। उसमें लिखा हुआ है ना कि हम ईज ऑफ बिजनेस करेंगे, रिलैक्सेशन देंगे, सो इससे क्या होगा, वेयर इन्फ्लेशन इज 6.8% एंड इंटरेस्ट रेट आर 10.75%, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मीट बेसिक नीड्स। अगर हम न्यू इंडस्ट्रीज लेकर आएंगे तो इससे क्या होगा, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का फायदा क्या होगा, जैसे कि हमें इन्फ्लेशन का सामना है, इंटरेस्ट रेट का सामना है, लोग अपनी बेसिक नीड इंप्रूव नहीं कर सकते, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा बिजनेस खुलने से इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट विल रेज पीपल इनकम, इससे लोगों की इनकम में इजाफा होगा, इंप्रूविंग देयर लिविंग स्टैंडर्ड एंड इंक्रीजिंग डिमांड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स। इससे क्या होगा, वो कुछ प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे और उन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने से रिलेवेंट बिजनेस क्या करेंगे, मार्केट में ग्रो करेंगे।
मोर बिजनेस विल बी फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू ईज बिजनेस विच में इंक्रीज ओवरऑल सप्लाई एंड हेल्प टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। इससे ओवरऑल एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, ज्यादा ज्यादा बिजनेस फॉर्म होंगे, एंटरप्राइज मार्केट में बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली इससे हम इन्फ्लेशन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसको आगे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मैंने एक सप्लाई साइड पॉलिसीज का आपको समझाया है। 8 मार्क्स का जो भी सवाल है आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है। डेफिनेशन लिखनी है, अगर एडवांटेज है तो एडवांटेज नंबर 1 ऐसे ही बताना होगा, एडवांटेज बताना होगा, देन उसको एक्सप्लेन करना होगा विद एग्जाम्पल, देन इफेक्ट 1 एंड इफेक्ट 2। इसी तरीके से आपने फिर दूसरा एडवांटेज बताना होगा, देन उसको एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल करना होगा, इफेक्ट 1 एंड इफेक्ट 2 बताना होगा उस एडवांटेज का। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एक सवाल करवाया ना, मैं और भी कराऊंगा, उसमें खुद लिखवाऊंगा बैठ के, और आपको पूरा वो ड्रॉ करके दूंगा चेन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कि किस तरीके से एक इम्पैक्ट आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। और मैं पर्सनली बोलूंगा डायरेक्ट सवाल अटेम्प्ट नहीं किया करें, पहले एक छोटा सा रफ वो बना लें, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे चाहे कोई भी आप थ्योरी का पेपर कर रहे हो उसके अंदर ये किया करें, अगर बड़े सवाल हो। जी बेटा, यहाँ तक कोई सवाल? इस ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। जी गाइस, यहाँ तक कोई सवाल?